किसान भाइयों, सोयाबीन भारत के मुख्य फसलों में से एक माना जाता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो हर साल किसान भाइयों को लाखों रुपए का मुनाफा देकर जाता है, और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी वैरायटी जो बहुत सालों से चलती आ रही है मार्केट में और किसानों के बीच काफी पॉपुलर माना जाता है, जी हाँ, JS 9560 वैरायटी के बारे में पूरी विश्लेषण करने वाला हूँ इस वीडियो में। JS 9560 क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसकी क्या खासियत है और क्या बुराइयां है, सभी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी भी दबा दीजिए। किसान भाइयों, JS 9560 वैरायटी काली दोमट मिट्टी के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। इस मिट्टी में ये ज्यादा से ज्यादा उपज दे सकता है। दोस्तों, अगर इसकी सोइंग टाइम की बात करें तो ये 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये वैरायटी बहुत ही कम समय में पक के हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। लगभग 80 से 90 दिनों में ये पक जाती है, जिस वजह से अग्रिम अन्य फसलों की रोटेशन में भी ये बहुत ही अच्छी तरह से फिट बैठता है। किसान भाइयों, ये वैरायटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान राज्यों में काफी पॉपुलर माना जाता है। किसान भाइयों, इसमें स्टीम फ्लाई, एलोनोजिक वायरस जैसे रोग थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जो स्प्रे के बाद खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, ये वैरायटी बहुत ही पुराना होने के कारण इसमें रस चूसक जैसे कीटों का आक्रमण भी देखा जाता है। किसान भाइयों, इसका दाना बड़ा और पीला और नाभिक हल्का काले रंग का होता है, और इसकी फूल की कलर की बात करें तो इसकी फूल बैगनी कलर का आती है। किसान भाइयों, अगर इसकी उपज की बात करें तो ये लगभग 10 से 12 क्विंटल एवरेज उपज देती है, लेकिन पिछले साल उपज की बात करें तो इसकी उपज में थोड़ी गिरावट आई है। किसान भाइयों, ये वैरायटी जिस क्षेत्र में बारिश ज्यादा आता है उस क्षेत्र में अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये वैरायटी जल्दी पक जाता है, और जिस टाइम पकेगा उस टाइम अगर बारिश आएगी आपकी फसल खेत में ही खराब हो सकती है बारिश में भीग के, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर से जरूर बताएं नीचे कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।